रिडॉक्स, टॉपिक इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, सच रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है CuO plus H2, it gives Cu plus H2। यहाँ आप देख रहे हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड, आफ्टर रिएक्शन कन्वर्ट होता है Cu में, कॉपर में, यानी इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकली है, तो इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन। इसी रिएक्शन में दूसरी तरफ अब देखें H2, ये कन्वर्ट होता है H2O में, तो इस H2 में ऑक्सीजन ऐड हुई, तो इसका, इस हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, इसलिए ये रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है तो केवल रिएक्टेंट को ही देखना है, प्रोडक्ट को नहीं देखना है, केवल जो रिएक्टेंट है आपके, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं को देखना है कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वो रिडक्शन है। किसी भी रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में आपने क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को आपने रिएक्टेंट को ही देखना है कि यदि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन निकल रही है तो रिडक्शन है, और दोनों ही हो रहा है उस रिएक्शन में तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है। जैसे इस केस में, इस कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकली तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया इसी रिएक्शन में, इसी रिएक्टेंट का। दूसरे रिएक्टेंट की बात करें हाइड्रोजन की, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है तो इस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक रिएक्शन में साइमल्टेनियसली है, तो ये रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन।